the funk गुड इवनिंग नमस्कार शुभ संध्या कैसे हैं दोस्तों आप चलिए तो फिर से स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर पर जिसमें हम मार्गदर्शन सीरीज में आज हम लेके आए हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टैबलेट डोजेस फॉर्म यस एम आई ऑडिबल डियर स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल यस आफ्टर लॉन्ग टाइम मौका नहीं मिला आप लोगों से रूबरू होने का यूट्यूब uh, पर आज फिर से मौका मिला है ट्वेंटी सेवन्थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जो कि जीपैट ना केवल बल जीपैट बल्कि नाइपर फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है इससे क्वेश्चन किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है तो दोस्तों मैं फिर से स्वागत करूंगा आपका हमारे फार्म एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर पर जिसमें हम मार्गदर्शन सीरीज जो कि आपने देखा कि इससे पहले भी आपने बहुत सारे लेक्चर मार्गदर्शन सीरीज में अटेंड किए और उसका बेनिफिट्स भी लिए तो दोस्तों आज इस सीरीज के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बताने वाला हूं समझाने वाला हूं टैबलेट डोजेस फॉर्म के बारे में टैबलेट फॉर्म के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं साथ ही साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जीपैट एग्जाम में आ चुके हैं यस yes. चलिए तो शुरू करें आज का कार्यक्रम चलिए तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो स्लाइड मेरे पास जो दिख रही है वो है एक जनरल इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका टैबलेट डोजेस फॉर्म का हाँ तो दोस्तों ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसका टैबलेट डोजेस फॉर्म का जिसमें टैबलेट की डेफिनेशन को और टैबलेट के कंपोनेंट्स को समराइज किया गया है टैबलेट की डेफिनेशन को और टैबलेट के कंपोनेंट को समराइज किया गया है तो वो हम देखते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन क्योंकि देखिए डेफिनेशन हम इसलिए ले रहे हैं कि एक बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए वैसे यूजुअली डेफिनेशन हमें बहुत सारी नॉलेज दे देती है उस डोजेस फॉर्म के बारे में इसलिए हमें थोड़ा सा डोजेस फॉर्म को कवर करके चलना पड़ेगा तो सबसे पहले टैबलेट के बारे में बता दूँ टैबलेट जो डोजेस फॉर्म होता है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जैसे कि आपको पता होगा दूसरी खास बात यूनिट डोजेस फॉर्म होता है कैसा होता है यूनिट डोजेस फॉर्म होता है यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों समझिएगा यूनिट फॉर्म का मतलब है सिंगल टाइम अगर अगर उसका आप एक कह सकते हैं कि आप जो डोज रिसीव करोगे या जो फॉर्म रिसीव करोगे या कह सकते हैं जो टैबलेट की बात हो रही है टैबलेट रिसीव करोगे उसमें एक फिक्स अमाउंट में डोज आपके पास पहुंचेगा कैसा फिक्स अमाउंट में डोज आपके पास पहुंचेगा इसमें और उसके बाद फिर दूसरी टैबलेट लोगे अगर मान लीजिए उसी स्ट्रिप की दूसरी टैबलेट है तो उतना ही डोज आपको नेक्स्ट टाइम रिसीव होगा तो कहने का मतलब है फिक्स्ड डोज आपको रिसीव होगा तो कह सकते हैं कि यूनिट डोजेस फॉर्म होता है कैप्सूल और टैबलेट दोनों ही दोनों यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म को जो हम डिजाइन करते हैं स्पेशली ध्यान दीजिएगा दोस्तों उसमें जो हम ओरल रूट के लिए इसको डिजाइन किया है हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल ओरल रूट से ही इसको हम यूटिलाइज करते हैं ओरल रूट के अलावा दूसरे रूट्स में भी हम इनको एडमिनिस्ट्रेट uh, करा सकते हैं लेकिन उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं चलिए डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो टैबलेट्स क्या होती है टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म विदाउट सुटेबल डायलोवेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायलोवेंट with with का मतलब क्या होता है वह कंपोनेंट रहता है टैबलेट का वह कंपोनेंट होता है जो कि टैबलेट को के लिए बल्किंग एजेंट का, का काम करता है या वॉल्यूम मेकअप का काम करता है या फिर टैबलेट को कह सकते हैं सुटेबल साइज प्रोवाइड करने के लिए टैबलेट को एक सुटेबल साइज प्रोवाइड करने के लिए हम क्या देते हैं डायलवेंट यूज करते हैं लेकिन किस केस में जब टैबलेट में जो यूज होने वाली ड्रग है उसका डोज साइज क्या है कम है यदि डोज साइज़ पर्याप्त है ज्यादा डोज वाली ड्रग है कह सकते हैं कि लार्ज डोज वाली ड्रग है और उसका आपको टैबलेट बनाना है तो आप बिना डायलवेंट के इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो यस चलिए तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली यहां पर डायलवेंट का यूज ये कंपल्सन नहीं है ये कंपलसन सन नहीं है कि हमेशा डायलवेंट आप यूज करें ये जनरल कंपल्सन नहीं कि डायलवेंट यूज करें कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम डायलवेंट यूज नहीं करते डायलवेंट यूज किस किस में नहीं करेंगे जब डोज साइज ड्रग का डोज साइज ज्यादा होगा यूज किस केस में करेंगे जब ड्रग का डोज साइज क्या होगा कम होगा तो इसलिए हम लोगों ने कवर किया है विद और विदाउट सूटेबल डायलवेंट और प्रिपरेशन मेथड पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रिपेयर्ड आइदर बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड मेन जो मेथड होती है आपकी कंप्रेशन मेथड होती है कैसी मेथड होती है दोस्तों कंप्रेशन मेथड होती है ये कंप्रेशन मेथड मेन जो मेथड हम लोग यूज करते हैं टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्रेशन मेथड होती है ज्यादातर टैबलेट कंप्रेशन मेथड से बनाते हैं कंप्रेशन मेथड के लिए आप ग्रेनुल्स या फिर ड्राई पाउडर यूज कर सकते हो इसके अलावा कुछ एक केसेस में हम मोल्डिंग मेथड की भी हेल्प ले लेते हैं लेकिन लेकिन मोल्डिंग मोल्डिंग मेथड हम हर बार यूज नहीं करते हर बार यूज नहीं करते एक थोड़ी ओल्ड टाइप की मेथड है मोल्डिंग मेथड चलिए आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि कंपोनेंट अब बात इस ब, अब बात करते हैं इसके शेप के बारे में इसका शेप क्या है इसके शेप को देखते हैं दोस्तों तो शेप कैसा हो सकता है फ्लैट हो सकती है बाई कॉन्वेक्स हो सकती है या फिर डिस्क शेप हो सकती है फ्लैट कॉन्वेक्स और बाई फ्लैट कॉन्वेक्स और डिस्क शेप हो सकती है ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका शेप शेप से एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हमें ध्यान से ध्यान से ध्यान से इसके शेप को हमें देखना है चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स पर कंपोनेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूं कंपोनेंट्स ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ द टैबलेट्स क्या बच्चा लो कंपोनेंट्स ऑफ द टैबलेट्स टैबलेट्स के कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग कि यहाँ पर जो हम कंपोनेंट यूज करने वाले हैं दो कंपोनेंट होते हैं ड्रग पार्ट और नॉन ड्रग पार्ट जैसे कि हर किसी डोजेस हर हर किसी डोजेस फॉर्म में होते हैं दो पार्ट होते हैं एक ड्रग पार्ट होता है और दूसरा नॉन ड्रग पार्ट होता है ड्रग पार्ट को जाने दीजिए ड्रग पार्ट हमारे मतलब का नहीं है क्योंकि ड्रग हमारा मैटर ही नहीं है ड्रग हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो ड्रग का कोई ऐसा नहीं है ड्रग जो हमें जो फार्माकोलॉजिस्ट बता देंगे वो ड्रग हम यूज कर लेंगे अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहां पर तो यहां पर जो पार्ट है नॉन ड्रग पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं एक्सीपी नाम देते हैं क्या नाम देते हैं दोस्तों एक्सीपी और ये एक्सीपीएं डिफरेंट टाइप से वर्क करके टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग को ईज करते हैं और साथ ही साथ टैबलेट के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करते हैं कहने का मतलब है तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले सबसे पहले जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था क्या बात किया था कि जो आपका आपका जो डायल, आपका जो नॉन ड्रग पार्ट है सबसे पहले इसमें कौन सा आता है डायलवेंट पार्ट डायलवेंट आपको कब यूज करना है डायलवेंट आपको कब यूज करना है जब क्या हो ड्रग का डोज साइज कम हो ज्यादा डोज साइज केस में यूज नहीं करेंगे डायलवेंट को हम टेबलेट व्हीकल या टैबलेट बेस के नाम से भी जानते हैं इसके सिनोनिम्स हो सकता है हो सकता है आपने ये सिनोनिम्स सुने ना होंगे लेकिन आज आपको ये से पाला पड़ने वाला है उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है है वो टैबलेट टैबलेट टैबलेटेसिव को हम कई बार ग्रेनुलेटिंग एजेंट और बाइंडर के नाम से भी हम प्रोनाउंसड करते हैं यस yes. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में ये तो हो गया टैबलेट एडेसिव ये बाइंडर या ग्रेनुलेटिंग एजेंट होता है जो टैबलेट को टैबलेट क्या होता है कॉम्पैक्ट मास होता है आपने पढ़ा होगा टैबलेट इज अ कॉम्पैक्ट मास उस कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मास को फॉर्म uh, करने के लिए हम ग्रेनुल्स की मदद लेते हैं या फिर पाउडर की मदद लेते हैं पाउडर को बाइंड करने के लिए पाउडर को पाउडर से जोड़ने के लिए आपको एडेसिव की जरूरत पड़ती है या फिर पाउडर से कई बार हम ग्रेनुल्स बनाते हैं तो ग्रेनुल्स के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है ग्रेनुलेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है तो यह बात हो गई टैबलेट को जोड़ने वाले मटेरियल टैबलेट को बनाने वाले मटेरियल अब हम बात करते हैं टैबलेट को तोड़ने वाले मटेरियल मतलब ऐसे सब्सटेंसेज जो टैबलेट के ब्रेकडाउन को ईज करते हैं आसान आसान बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का रोल कहां पर होता है हमारी बॉडी

अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसका नाम है आपके पास है वो है आपका लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट आपने कई बार सुना होगा लुब्रिकेंट तो लुब्रिकेंट बड़ा दिक्कत होती है कि लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट और एंटी एडरेंट में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको आज क्लियर करा दूंगा तो सबसे पहले देखिए लुब्रिकेंट के तीन टाइप होते हैं लुब्रिकेंट्स हैविंग थ्री टाइप्स वन इज ग्लाइडेंट सेकेंड वन इज लुब्रिकेंट थर्ड वन इज दट इज दैट एंटी एडरेंट थ्री टाइप्स होते हैं किसके लुब्रिकेंट के लुब्रिकेंट का टाइप लुब्रिकेंट भी होता है इनके मोड ऑफ एक्शन मिलते जुलते हैं लेकिन जगह बदल जाती है ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने का काम करते हैं पार्टिकल पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं वहीं जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो डाईवॉल और टैबलेटिक मास के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं इसके अलावा अगर एंटी अडेरेंट को अगर हम देखें अडेरेंस मतलब किसी चीज को अडेसिवनेस को कम करना तो कई बार क्या होता है जब टैबलेट मैन्युफैक्चर होती है उसके बाद कई बार कुछ पार्ट टैबलेट का स्टिक हो सकता है किसके ऊपर पंच फेसेस के उपर, के के ऊपर ऊपर या फिर के उपर, तो उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए आप एंटी एडरेंट यूज करते हो तो ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं जो टैबलेट बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं इनमें से अगर डायलेंट टैबलेट टैबलेट एडेसिवनेस अड़, हर जगह रिक्वायर होगा डिसइंटीग्रेंट और डायलेंट हमेशा रिक्वायर नहीं होंगे लुब्रिकेंट हमेशा रिक्वायर होगा और उसके अलावा एक पांचवा एक फिफ्थ फिफ्थ पांचवा टाइप जो होता है नॉन ड्रग कंपोनेंट का वो है आपका एरिटिव एडिटिव ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव में आपके स्वीटनिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट आएंगे आपके फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट स्पेशली उन टेबलेट्स के लिए यूज करते हैं जो माउथ कैविटी के, के लिए डिजाइन की जाती है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स या टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स को हम अगर देखें तो हम फोर कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं कितनी कैटेगरी है में बच्चा लोग फोर कैटेगरी में मैं यहां पर आपको दो ही कैटेगरी दिख रही होंगी टैबलेट इंजेस्टेड ओरली और टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी दो और कैटेगरी होती है एक होती है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन और फोर्थ नंबर की कैटेगरी होती है टैबलेट यूज अदर देन ओरल रूट क्योंकि ज्यादातर टैबलेट जो डिजाइनिंग की जाती है वो रूट के लिए डिजाइनिंग की जाती है लेकिन आजकल कुछ एडवांसमेंट आ चुका है जिसके तहत हम लोग अदर टैबलेट यूज कर सकते हैं जैसे रेक्टल रूट वज़ाइनल रूट और आपका सबकुटेनियस रूट तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूं कैटेगरी नंबर वन से ये कैटेगरी नंबर वन जो है आपके पास वो है आपकी कौन सी टैबलेट इंजेस्टेड ओरली ऐसी टैबलेट जो कि डिजाइन की जाती है स्पेशली कैसे कि आपने लिया और इसको सालो कर लिया मतलब ये आप, आप, आपकी इंटेक होता है फ्लूड के साथ जूस के साथ वाटर के साथ आप इसको इंटेक करते हो और ये आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में पहुंच जाती है कहां पहुंच जाती है दोस्तों आपके जीआईटी ट्रैक्ट में पहुंच जाती है और वहां पर इसका डिजोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस टाइप की टैबलेट्स में ज्यादातर टैबलेट में जो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली डिजाइन की जाती है इस टाइप की टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है तो डेफिनेटली इस टाइप की टैबलेट्स का एक सूटेबल डिसइंटीग्रेशन टाइम भी होगा याद रखना ज्यादातर मैं पूरी टैबलेट्स के लिए नहीं बोल रहा कि सभी टैबलेट्स इस कैटेगरी की जितनी भी टैबलेट्स टे, हैं उनका सभी का डिसइंटीग्रेशन होता है नहीं जी नहीं सभी का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता कुछ एक टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता तो यहां से शुरुआत करते हैं हम सबसे कंप्रेस टैबलेट सिंपल कंप्रेस टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इसको सिंपल कंप्रेस टैबलेट से जाना जाता है और यह सिंपल कंप्रेस टैबलेट चलिए थैंक यू तो यहां सिंपल कंप्रेस टैबलेट जो है आपकी ये बेसिक और फंडामेंटल टैबलेट है मतलब शुरुआत है एक तरीके से प्राइमरी टाइप की टैबलेट है जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन और ग्रेनुलेन मेथड से प्रिपेयर की जाती है अब ये डायरेक्ट कंप्रेशन और ग्रेन मेथड क्या होती है इनको इस मेथड्स को हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं कि जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपके पाउडर से भी कर सकते हो डायरेक्टली या फिर पाउडर से ग्रेनुल्स बना के और ग्रेन्यूल के कंप्रेशन से आप टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो तो यदि पाउडर से आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कंप्रेशन डायरेक्टली फ्रॉम दी पाउडर पाउडर से आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो टेबलेट का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन और यदि आप ग्रेनुलेशन मेथड से कर रहे हो उसका तो उसको हम ग्रेनुल से उस कह सकते हैं ग्रेनुल से आप टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम ग्रेनुलेशन मेथड क्या कहते हैं दोस्तों ग्रेनुलेशन मेथड तो ग्रेनुलेशन मेथड दो तरीके की होती है एक वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या डिफरेंस होता है इसको हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले इस टैबलेट्स के बाद इस टैबलेट के बाद दूसरी टैबलेट पर जाने से पहले हम इसका शॉर्ट में एक डीटी डीटी मतलब डिजोल्यूशन टाइम नहीं डिसइंटीग्रेशन टाइम पर बात कर लेते हैं ये टैबलेट अच्छी तुरंत जाकर आपकी बॉडी में जाकर जैसे जी आई टी ट्रैक में पहुंचेगी तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगी विद इन फिफ्टीन मिनट्स या फिर अकॉर्डिंग टू यूएसपी विद इन थर्टी मिनट डिजोल्व डिसइंटीग्रेट हो जाएगी मतलब मैक्सिमम यूएसपी के हिसाब से बोलेंगे मैक्सिमम थर्टी मिनट्स में ड्रग रिलीज कर देगी और आईपी के हिसाब से बोलेंगे मैक्सिमम फिफ्टीन मिनट्स में ये ड्रग को रिलीज कर देगी कौन सी आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट ध्यान दीजिएगा दोस्तों कौन सी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल कंप्रेस दीजिएगा इस पर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट तो इसे नाम से पता चल रहा है कि ये टैबलेट जो प्रिपेयर की गई है एक से ज्यादा टाइम कंप्रेस करके प्रिपेयर की गई है इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको ब्लैंक बोर्ड पर लेकर चलता हूं चलिए तो यहां पर बात हो रही है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट की किसकी तो यहां पर जो सिंपल कंप्रेस टैबलेट होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं ओनली वन टाइम जो सिंपल कंप्रेस टैबलेट होती है सिंपल कंप्रेस टैबलेट जो होती है उसका जो कंप्रेशन होता, होता है ओनली वन टाइम होता है एक बार ही इसका कंप्रेशन होता है लेकिन ये नहीं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती है इसको कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव uh, या स्पेशल गोल्स को अचीव करने के लिए हम इसको मल्टीपल टाइम uh, इसको हम uh, कह सकते हैं कंप्रेस करते हैं ये दो तरह की होती है अगर देखें एक होती है आपकी कौन सी आपकी लेयर्ड uh, टैबलेट और एक होती है कंप्रेशन कोटेड टैबलेट इसको बोलते हैं हम टैबलेट विद इन टैबलेट टैबलेट विद इन टैबलेट ध्यान दीजिएगा कंप्रेशन कोटेड टैबलेट या टैबलेट विद इन टैबलेट ये लेट टैबलेट में क्या होता है कि यहां पर एक ही टैबलेट में हम एक से ज्यादा ड्रग एक टैबलेट में ही हम एक से ज्यादा ड्रग को हम क्या कर सकते हैं फॉर्मुलेट करा सकते हैं किसमें लेयर टैबलेट में थ्री थ्री ड्रग्स भी दे सकते हैं आप एक ही टैबलेट में थ्री ड्रग्स भी आप क्या करा सकते हो आप मैन्युफैक्चर करा सकते हो फॉर्मुलेट करा सकते हो ध्यान दीजिएगा अब उसके बाद यदि हम बात करें थोड़ा सा और आगे चलते हैं कंप्रेशन कंप्रेशन कोटेड कोटेड टैबलेट टैबलेट अब एक ना पहले कोर टैबलेट का डेवलपमेंट होता है कोर जो सबसे अंदर की स्मॉल टैबलेट बोलते हैं फिर उसके बाद हम दूसरे ड्रग का दूसरे ड्रग के ग्रेन्यूल को हम क्या कर देते हैं फिल कर देते हैं इस टैबलेट के चारों तरफ फिर उसको क्या कर देते हैं हम कंप्रेशन कर देते हैं क्या कर देते हैं दोस्तों कंप्रेशन और कंप्रेशन कर देने के बाद ये कुछ कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कंप्रेशन कर देने के बाद ये आपका जो ग्रेन्यूल्स थे दूसरी ड्रग के वो इसके चारों तरफ इस तरीके से कोट हो जाएंगे इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन कोटेड टैबलेट अब इसमें से एक अलग टाइप की टैबलेट भी होती है लेकिन कई बार अंदर का कंटेंट भी हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं इनलेट टैबलेट मतलब कोर और कोट को डिस्ट्रिक्टली देख पाते हैं जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हो ना आप कोर और कोट को उसी तरीके से उसी तरीके से आप आप आ, उसी तरीके से आप इनले टैबलेट जो इनले टैबलेट होती है मतलब इनले अंदर का लेआउट भी आप देख पा रहे हो तो उसको बोलते हैं इनले टैबलेट इस टैबलेट को हम क्यों बनाते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है इस टैबलेट को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस टैबलेट में इस टैबलेट के थ्रू हम एक ही टैबलेट में एक से ज्यादा ड्रग uh, सब्सटेंस को या एक से ज्यादा टाइप की ड्रग को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं दूसरा यह हो सकता है एक ही ड्रग के दो डोज फार्मुलेट कर सकते हैं हम इसमें एक लोडिंग डोज और दूसरा मेंटेनेंस डोज में ऐसा भी कर सकते हैं हम दो इनकम्फर्टेबल सब्सटेंसिस को एक ड्रग में या दो इनकम्फर्टेबल ड्रग को एक डोजेस फॉर्म में या एक टैबलेट में फॉर्मुलेट कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छे यस तो यहां पर देखिए समझने वाली बात है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट क्यों बनाई अच्छा इसके लिए नॉर्मल नॉर्मल टैबलेट मशीन यूज नहीं करते इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्सो प्रेस। क्या यूज करते हैं दोस्तों वर्सो प्रेस। याद रखना एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है क्या है इसका नाम वर्सोप्रेस तो ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट में हम टैबलेट को मल्टीपल टाइम कंप्रेस करेंगे और एक और चीज याद रखना हर बार जब कंप्रेशन करेंगे तो कंप्रेशन लोड कम करते जाएंगे कंप्रेशन लोड को कम करते जाना है पहले मान लीजिए फाइव टन कंप्रेशन लोड लगाया फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंप्रेशन करेंगे थ्री टन या टू टन होगा फिर अगर नेक्स्ट और कंप्रेशन करेंगे तो हो सकता है उससे भी जस्ट हाफ लोड हम यूज करेंगे तो ये कहानी है पूरी मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट की तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब उसके बाद आगे बात करने वाले नेक्स्ट टैबलेट से सस्टेंड एक्शन या सस्टेंड रिलीज टैबलेट इसको हम एसआर टैबलेट के नाम से जानते हैं एसआर टैबलेट का मतलब क्या होता है समझिएगा बा... समझ बात बात समझिएगा को रिलीज ऑफ ड्रग फॉर दी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस इज कॉल्ड दी सस्टेंड रिलीज टैबलेट और सस्टेंड एक्शन टैबलेट इसका जो बेसिक पर्पस क्या होता है हम नॉर्मल ये कंप्रेस टैबलेट अगर हम यूज करेंगे तो कंप्रेस टैबलेट में दो से तीन घंटे में एक्शन एलिमिनेट हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है लेकिन हमें क्या होता है लॉन्ग टर्म थेरेपी की रिक्वायरमेंट है कि हम एक बार डोज यूज करें और वो डोज हो सकता है हमें दिन भर आपको देता रहे तो उसके लिए आपने सस्टेंड रिलीज टैबलेट डिजाइन की गए और सस्टेंड रिलीज जो टैबलेट है अप टू ट्वेल्व आवर्स तक ट्वेल्व आवर्स तक थेप्टिक इफेक्ट शो कर सकती है क्योंकि ड्रग का रिलीज इसमें से स्लोली स्लोली होता है तो ये बात हो गई किसकी आपकी सस्टेंड रिलीज टैबलेट की यस yes. मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट का एग्जाम्पल है आपने डाइक्लोपेरा का नाम सुना होगा जो आप फीवर में यूज करें सोडियम और पेरासिटामोल रहता है वो मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट का एग्जाम्पल होता है रिलीज़ टैबलेट मार्केट में एस आर के नाम से मिलेगी आप मार्केट में जाओगे तो उसके ऊपर एस आर लिखा रहेगा डाइक्लोफे सोडियम एस आर इस तरीके से चलिए बहुत अच्छे अब इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे बढ़ निकलते हैं नेक्स्ट टैबलेट पर जिसका नाम है कोटेड टैबलेट या इसको हम डिलेड एक्शन टैबलेट के नाम से जानते हैं दोस्तों किस नाम से जानते हैं डिलेड एक्शन एक्चुअल में कोटेड जो टैबलेट हम लोग डिजाइन करते हैं उसके पीछे दो तीन पर्पज होते हैं उन पर्पज को मैं शॉर्ट में बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा और आप क्वेश्चन बनाइएगा इससे तो पहला कुछ ड्रग ऐसी होती है जो जीआईटी ट्रैक्ट में जैसे ही पहुंचेंगे जीआईटी जी स्टमक में, में सामना होता है उसका गैस्ट्रिक फ्रूट से और गैस्ट्रिक फ्रूट में सबसे पहले सामना होता है उसका एस से तो ये ड्रग जो होती है आपकी एस में डिग्रेड हो सकती है कुछ एक ड्रग हम पूरी ड्रग नहीं कुछ एक ड्रग आपकी एस में डिग्रेड हो सकती है तो ऐसी ड्रग जो एस में या गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो सकती हैं, तो उनका रिलीज हम स्टमक में नहीं ले सकते उनका रिलीज हम कहा लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा लेंगे दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी खास बात ध्यान से सुनिएगा यदि कुछ ड्रग ऐसी भी होती है जो स्टमक को लॉस करती है पहले वाले ऑब्जेक्ट में क्या था कि ड्रग क्या कर रही थी स्टमक में डिग्रेड हो, रही थी और कुछ ऐसी हो थी जो में नहीं लेना है की कहां पर लेना है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा लेना दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी क्या स्ट्रेटजी और उस स्ट्रेटी के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है आपने देखा होगा कि आपके स्टमक की पीएच और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच में ह्यूज डिफरेंस होता है स्टमक की पीएच एसिडिक होती है और इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है टू न्यूट्रल तो हम एक ऐसा पॉलीमर यूज करें टेबलेट के ऊपर ऐसा पॉलीमर अप्लाई करें एक ऐसा पॉलीमर की कोटिंग करें जो कि लो पीएच पर अनएफेक्टेड हो लो पीएच पर डिजोल्व ना हो लेकिन जैसे ही पीएच जैसे ही पीएच न्यूट्रल या फिर एल्केलाइन की तरफ जाएगी तो इसका डिजोल्यूशन और डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा तो कहां पर होगा ये डिग्रेडेशन और डिजोल्यूशन किसका पॉलीमर का कहां पर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में सपोज करिए मैं आपको यहां पर बताता हूं चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग यहां पर यदि हम देखें ये आपकी टैबलेट है सपोज ये टैबलेट ये टैबलेट आपके कहां पर पहुंची स्टमक में पहुंची और आपको पता है स्टमक की पीएच कैसी है स्टमक की पीएच जो है स्टमक पीएच क्या है लो पीएच है मतलब एसिडिक पीएच है और इसको हमने ऐसे पॉलीमर से कोट कर दिया है जो कि एसिडिक पीएच पर डिजॉल्व नहीं होगा क्या नहीं होगा दोस्तों एसिडिक पीएच पर डिजॉल्व नहीं होगा चलिए तो ठीक है तो इसके लिए इसके लिए फिर हमने क्या किया फिर इसके लिए हमने आगे बढ़ गए कहां पहुंच गए हम स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है एसिडिक या एल्केलाइन होती है तो एसिडिक या एल्केलाइन पीएच पर क्या हो जाएगा आपका ये पॉलीमर क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा कहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पॉलीमर डिजोल्व होगा और आपकी टैबलेट जो होगी एक्सपोज हो जाएगी देन उसके बाद टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन हो जाएगा देन आपका ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा ये बेसिक स्ट्रेटजी है किसके लिए आपके कोटेड टैबलेट के लिए इसके लिए एक मटेरियल यूज करते हैं पॉलीमर जो यूज करते हैं इसको हम पीएच सेंसिटिव पॉलीमर के नाम से जानते हैं किस नाम से पीएच सेंसिटिव पॉलीमर के नाम से इसको हम स्मार्ट पॉलीमर भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं स्मार्ट पॉलीमर क्योंकि ये पर्टिकुलर पीएच पर ही जाकर डिजॉल्व हो रहा है इसको हम फिजिकल स्टूमिलाई इसको हम फिजिकल स्टूमलाई पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों चलिए तो इसके लिए जो मटेरियल एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैप सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट इसके अलावा एच पी एम सी पी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट इसके अलावा यूड्राजिट पॉलीमर भी आप यूज करते हो यूड्राजेट पॉलीमर एल एंड एस आप यूज करते हो किसके लिए एंटेिक कोटिंग के लिए तो तो दोस्तों ये था किसका कोटिंग का। तो से हम हम पर लेते हैं? में रादर देन अब उसके बाद नेक्स्ट और जिस पर हम बात करने वाले उसका नाम है शुगर कोटेड शुगर कोटेड टैबलेट ये शुगर कोटिंग एक कोटिंग का एक टाइप होता है जो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है आपकी जो ड्रग का टेस्ट जो बिटर होता है और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है उसको मास्क करना फिजिकल प्रोटेक्शन इंक्रीज करना और और भी कई एस्पेक्ट्स होते हैं उनको अचीव करते हैं हम कोटिंग के थ्रू तो शुगर कोटेड टैबलेट एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है इसमें तीन बेसिक स्टेप होती है एक होती है सील कोटिंग दूसरी होती है सब कोटिंग और तीसरी होती है सीरपिंग ये तीन स्टेप में आपकी टैबलेट की कोटिंग कंप्लीट होती है किसमें शुगर कोटिंग में शुगर कोटेड टैबलेट का डिस टाइम सिक्सटी मिनट होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों कितना होता है सिक्सटी मिनट वहीं एंटेक कोटेड का जो डिसन टाइम होता है वो होता है आपका वन एट्टी मिनट शुगर कोटेड टैबलेट में टैबलेट का वेट अप टू हंड्रेड परसेंट तक यहां पर मैंने लिखा है थर्टी टू फिफ्टी परसेंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अप टू हंड्रेड परसेंट तक इंक्रीज हो जाता है लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है इस इस कोटिंग के बाद जो बनने वाली टैबलेट होती है उस वो उसमें एक पर्टिकुलर ग्लॉस होती है एक अच्छी खासी ग्लॉस होती है अपियरेंस अच्छी हो जाती है अब नेक्स्ट जो टैबलेट पर बात करने वाले हैं वो है आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट तो यहां पर सिंपल पॉलीमर की एक लेयर आप टैबलेट के ऊपर अप्लाई करोगे इसमें टैबलेट का वेट इंक्रीज नहीं होता जैसे शुगर कोटेड में हो रहा था लेकिन हाँ एक चीज और है वेट इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन लेकिन इसमें ग्लॉस भी नहीं मिलती आपको टैबलेट के ऊपर जो आपकी फिल्म अप्लाई कर रहे हो वो थोड़ा सा डल टाइप की फिल्म होती है पॉलीमर की बारे में बात करें तो नॉन एंटेरिक पॉलीमर आप इसमें यूज करते हो जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलोज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोलोज और दूसरे सेलोज आप यूज कर सकते हो आगे अगर बात करें तो इसका टाइम अगर देखें तो कितना होता है इसका टाइम मिनट्स होता है कितना होता है इसका डिसेंटिकेशन टाइम थर्टी मिनट्स तो याद रखना यहां पर थर्टी सिक्सटी वन एट्टी फिल्म कोटेड का थर्टी शुगर कोटेड का सिक्सटी और एंटेरिक कोटेड का मिनट होता है। याद रखना इसका टाइम से क्वेश्चन आते हैं। यस। yes. अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम च्यूबल टैबलेट्स ट्यूबल टैबलेट्स के बारे में खास बात क्या होती है दोस्तों ध्यान दीजिएगा च्यूबल टैबलेट्स एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि माउथ कैविटी में हम इसको अप्लाई करते हैं लेकिन इसका इसका जो इसका डिसेंडिगेशन नहीं होता याद रखना इसमें डिसेंडिगेशन नहीं होता च्यूबल टैबलेट्स का कोटेड का डिसेंडिगेशन होता है शुगर कोटेड का होता है फिल्म कोटेड का होता है सस्टेंड एक्शन का नहीं होता आपका कंप्रेशन कोटेड का होता है और मल्टीपल कंप्रेस कोटेड का भी डिसेंडिगेशन होता है लेकिन च्यूबल टैबलेट एक ऐसी टैबलेट होती है जिसका डिसेंडिगेशन नहीं होता है ध्यान रखना दोस्तों इसका डिसेंडिगेशन नहीं होता है जानने वाली बात है क्यों नहीं होता क्योंकि इस टैबलेट को इस टैबलेट को हम पुट करते हैं कहां पर माउथ कैविटी में पुट करते हैं और इसमें से स्लोली स्लोली ड्रग का रिलीज होता है और आपके माउथ में मिलकर वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है और माउथ में मिलकर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद ये क्या करता है आपका ये इसको हम निगलते हैं सॉलो करते हैं और हमारा जी आई टी ट्रैक्ट में या कह सकते हैं स्टमक में ये पहुंच जाता है स्टॉक में क्या होता है ये पहुंच जाता है खास बात है इसके लिए खास बात है ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसको हमें याद रखना है कि एक ऐसी टैबलेट जो कि इंजेस्टेड ओरली कैटेगरी में रखी गई है लेकिन प्लेस कहां पर हो रही है ये माउथ कैपिटरी में प्लेस हो रही है ट्यूबल टैबलेट और इसको हम स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं इसका जो आपका ड्रग सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है आपके सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको हम धीरे धीरे इंजेस्ट करते चले जा रहे हैं स्पेशली ट्यूबल टैबलेट्स में हम मैनीटॉल का यूज करते हैं और खास बात और बता दो ट्यूबल टैबलेट जो होती है इसमें इसमें मल्टीविटामिन और एंटासिड टैबलेट को हम फॉर्मुलेट करते हैं अब उसके बाद एक कैटेगरी और है आ, आपका रिटेंटिव फ्लोटिंग और बायोन्ट टैबलेट ये टैबलेट का मैं थोड़ा सा एडवांस टाइप की टैबलेट होती है इसमें हम बेसिकली हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो टैबलेट होती है आपकी उसको हम ऐसे लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं उनसे बनाते हैं लाइक एचपीएमसी मिथाइल इथाइल सेलोडोज और हाइड्रोक्सी प्रोफाइल सेलोडोज इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है तो जैसे ही हम इसकी टैबलेट बनाते हैं और उस टैबलेट को हम अंदर लेके जाते हैं तो आपकी जो टैबलेट स्टमक में जाकर फ्लोट करती है स्टमक से आगे नहीं बढ़ती है स्टमक वहीं फ्लोट करती रहती है और वहीं पर ड्रग का रिलीज करती रहती है और आपको थेरेपी मिलती रहेगी इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग टैबलेट ठीक अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी बेटा फार्मास्यूटिक्स की क्लास है यहां ड्रग के एग्जाम्पल नहीं होते यहां एक्सीपिय के एग्जाम्पल होते हैं तो मैं के एक्सीपियल आपको बराबर से दे रहा हूं अब नेक्स्ट ऐसी टैबलेट जो कि ओरल कैविटी में यूज की जाती हैं इसका जो पर्पज होता है लोकल और सिस्टमिक दोनों पर्पज होता है लोकल एज वेल एज सिस्टमिक दोनों पर्पज से ये ओरल कैविटी में यूज की जाती हैं तो बक्कल टैबलेट बक्कल टैबलेट जो आपके बक्कल पाउच में रखी जाती है कुछ लोग जो पान खाते हैं ना कहा पर रखते हैं सीधा बक्कल पाउच में ही रखते हैं तो पान वाली जगह पर जो पान खाते हैं पान वाली जगह की जो एरिया रहता है कहां पर रहता है वो एरिया बिटवीन द चीक एंड चीक एंड गम्स के बीच का जो एरिया होता है वो आपका बक्कल पाउच कहलाता है उस बक्कल पाउच में आप टैबलेट प्लेस प्लेस करते हो सबलिंगुअल जो होता है विनिधि टंग टंग के नीचे वाला एरिया जो रहता है विनिधि टंग इसमें स्पेशली इस एग्जांपल क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने एग्जांपल ले दिया नाइट्रोग्लिसिन टैबलेट इस टाइप का एग्जांपल शो करती है अब बक्कल और सबलिंगुअल हो लोजेंजेस हो ट्रोचेस हो डेंटल कोन हो या टाइप की जो टैबलेट्स होती है आपको बता इसमें दो चीजें प्रॉपर्टी का हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है एक तो हमें हाई प्रिपेयर हम करते हैं ठीक है, है, है।, है। चलिए अब यहां पर दूसरी सबलिंगल के बाद लोजेंजेस एंड ट्रोचेस लोजेंजेस मैंने लिखा नहीं है ट्रोचेज मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको बता देता हूं ट्रोचेस एंड लोजेंजेज दोनों एक जैसी होती हैं लेकिन फर्क होता है जो होती है मोल्डिंग से बनाई जाती है और ट्रोचे जो होती है ट्रोचे जो टैबलेट होती है आपकी कंप्रेशन से बनाई जाती है दोनों के दोनों का जो पर्पज रहता है कोल्ड कफ के या शोर थ्रोट के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज करते हो जैसे आपकी विक्स वगैरह आती हैं जो स्टेप्स आती हैं इसमें ही आती है स्टेप्स इसी कैटेगरी में आती है लोजनजे और ट्रोचेस में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आपकी डेंटल कोन डेंटल कोन डेंटल फोन नहीं डेंटल कोन डेंटल कोन क्या होती है व टेबलेट होती है जब कभी देखा होगा आप लोगों ने कभी कभार टूथ हमारे प्रॉब्लम करते हैं टूथ का एक्सट्रक्शन कर देते हैं मतलब टूथ निकलवा देते हैं डेंटिस्ट के पास जाकर तो टूथ के निकलवाने के बाद एक्सट्रक्शन के बाद एक खाली जगह बचती है उस खाली जगह को सॉकेट बोलते हैं टूथ सॉकेट उस टूथ सॉकेट में ऐसा भी हो सकता है आप जो खाना खाएंगे वो फंस सकता है दूसरा ब्लीडिंग भी होती है टूथ के एक्सट्रेक्शन के बाद तो इन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए इन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो कि कौन सेप की टैबलेट कैसी दोस्तों एक कोन सेप की टैबलेट आप उसमें प्लेस कर देते हो जिससे इसका एंटीसेप्टिक और एंटी हीमोरिजिक एंटी हीमोरिजिक इफेक्ट होता है जिससे पेशेंट को काफी बेनिफिट्स रहता है इसका डिस टाइम नहीं होता डिजोल्यूशन टाइम होता है ट्वेंटी टू फोर्टी मिनट और मैं आपको बता दूं जितनी भी टैबलेट्स हैं जितनी भी टैबलेट्स हैं जब बक्कल हो सबलिंग डेंटल कॉन इनका डिसेंटिगेशन टेस्ट नहीं लगाया जाता इनका डिसेंटिगेशन टेस्ट हम लोग नहीं लगाए जाते चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं उससे पहले हम नेक्स्ट और देखते हैं माउथ डिजोल्विंग और रैपिडली डिजोल्विंग टैबलेट माउथ डिजोल्विंग और रैपिडली डिजोल्विंग टैबलेट ऐसी टैबलेट चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं तीसरी माउथ डिजोल्विंग टैबलेट और रैपिडली टैबलेट ऐसी जो कि हम इसमें माउथ में जैसे ही प्लेस करते हैं ये एडवांस टाइप की टैबलेट है जैसे ही हम इसको माउथ में प्लेस करते हैं ये तुरंत के तुरंत डिसइंटीग्रेट और डिजोल्व हो जाती है और देखा जाए तो विद इन वन मिनट या कह सकते हैं कि कुछ टैबलेट विद इन टेन सेकंड डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी रखती हैं इनको फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट या माउथ डिजोल्विंग टैबलेट या ओरो टैबलेट के नाम से जाना जाता है चलिए आगे बढ़े तो यहां पर नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर लेकर चलते हैं हम आपको टैबलेट्स में जो इंपैक्ट होता है बेटा बड़ा पार्टिकल उसका जो विदाउट डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ज्यादा इंपैक्ट शो करता है ठीक है, ये की है। तो यहां पर क्या होता है टैबलेट जो है वो क्या करती है उसका लार्जर पार्टिकल साइज में ज्यादा इंपैक्ट शो करती है इसलिए उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं देते उसमें से क्या करते हैं टैबलेट के पार्टिकल्स होते हैं वो इंपैक्ट शो करते हैं बजाय डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ये होता है कॉज चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चीज को चलिए मैं कमेंट्स देख देता हूं आपके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी पर चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऐसी टैबलेट जो कि सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद ही यूज की जाती है इनके पीछे कॉज क्या है कॉज समझ लीजिए इनके पीछे का कॉज क्या है इसके पीछे का कॉज यह है कि हमारी जो टैबलेट होती है सभी डोजेस फॉर्म में उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कम होती है जितने भी डोजेस फॉर्म हम यूज करते हैं उसमें सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है टैबलेट डोजेस फॉर्म की होती है ध्यान दीजिएगा तो उस बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बॉडी के बाहर ही हम टैबलेट को डिजोल्व और डिसइंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन सोल्यूशन सस्पेंशन प्रिपेयर करके हम लोग यूज करेंगे ताकि इफेक्ट थोड़ा जल्दी आए जैसे आपने देखा होगा डिस्प्रिन का एडवर्टाइजमेंट आता है कि पांच मिनट में असर दिखाए तो पांच मिनट में असर टैबलेट नहीं दिखा सकती नॉर्मली लेकिन यदि उसको बॉडी के बाहर डिजोल्व वाटर में डिजोल्व डिसइंटीग्रेट करके हम यूज करेंगे तो असर थोड़ा सा फास्ट होगा यस यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले आपकी डिस्पर्सिबल टेबले, इन टेबलेट्स को बाद में बात करूंगा लेकिन सबसे पहले डिस्पर्सिबल टेबलेट को उठा, उठाते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट विद इन थ्री मिनट क्वेश्चन आ चुका है तीन मिनट या तीन मिनट से कम में डिसेंटिग्रेट और डिसोल्व होके क्या करती है सस्पेंशन प्रिपेयर करती है इसलिए इसको नाम डिस्पर्सिबल टैबलेट देते हैं क्या नाम देते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट और डिस्पर्सिबल टैबलेट जो होती है ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये ये डिस्पर्सिबल जो जो टैबलेट रहती है इससे जो बनता है है इससे बनता बनता वो सस्पेंशन बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट को छोटे बच्चों के लिए प्रेफर की जाती है किसके लिए प्रेफर की जाती है छोटे बच्चों के लिए प्रेफर की जाती है, है पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए अब उसके बाद नेक्स्ट है इफरविशेंट टैबलेट ऐसी टैबलेट जो विद इन फाइव मिनट्स विद इन फाइव मिनट्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है और सॉल्यूशन बन जाता है या सस्पेंशन बन जाता है इसका उसको बोलते हैं इफरविशेंट टैबलेट नाम क्यों दिया इसको

ये क्यू भी बताएंगे बेटा रुकिए सब आएगा सब आएगा ठीक है मुझे अपने उसके हिसाब से चलने दिए सब कुछ आएगा अब यहां पर देखिए है टेबलेट टेबलेट। टेबलेट पोटेंट ड्रग स्पेशली ऐसी टैबलेट जो कि पोटेंट ड्रग को फॉर्मुलेट करने के लिए हम बनाते हैं उसको बोलते हैं टैबलेट ट्राइचुरेट या फिर यह ये ये टैबलेट एकमात्र ऐसी टैबलेट है किसके अलावा

इम्प्लांट मतलब किस चीज को प्लेस करना कहां पर प्लेस करना सबको टिश्यू को प्लेस करना और एकमात्र ऐसी टैबलेट होती है जो कि स्टेराइल होती है अब हाइपोडर्मिक टैबलेट के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसको इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं और इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं लेकिन ये हाइपोडर्मिक टैबलेट आजकल यूज नहीं होती ये इंजेक्शन के दुरुस्त का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके किसमें वाटर फॉर इंजेक्शन में किसका हाइपोडर्मिक टैबलेट का वाटर फॉर इंजेक्शन में इसका स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन में सॉल्यूशन प्रिपेयर करके सब सबकुटेन, सबकोटेनियस रूट में या हाइपोडर्मिक रूट में इंजेक्ट कराई जाती है लेकिन इसमें स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती इसलिए ज्यादातर इसको यूज नहीं करते इंप्लांट टैबलेट एकमात्र ऐसी टैबलेट होती है जो कि स्ट्राइल होती है और स्पेशली हार्मोनल थेरेपी के लिए या कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पज के लिए हम लो, हम लोग यूज करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो आती है आपकी टैबलेट और इसमें जो कंपोनेंट होता है एज कंपेयर टू अदर डायलोट इसलिए हम लेक्टोज को प्रेफर करते हैं इसका डिसेंटिगेशन टाइम इन थर्टी मिनट्स होता है चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम कंपोनेंट्स पर चलते हैं ये तो हो गए टैबलेट्स के टाइप अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स पर कंपोनेंट्स में सबसे पहले आएंगे डायलवेंट या टैबलेट व्हीकल या इसको हम फिलर्स के नाम से भी जानते हैं डायलवेंट टैबलेट व्हीकल या इसको फिलर्स के नाम से भी जानते हैं मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये वॉल्यूम मेकअप करने का काम करते हैं वॉल्यूम मेकअप करने का मतलब क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस रहते हैं हैं किस में यूज करते है? जब ड्रग का डोज साइज कम होता है और सूटेबल वॉल्यूम आपको मेकअप करना है सूटेबल साइज प्रिपेयर करना है टैबलेट का उसके केस में आपको डायलेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो इनको टैबलेट बेस टैबलेट डायलेंट टैबलेट व्हीकल या फिलर्स के नाम से भी जानते हैं ये क्लासिफिकेशन का जो इसको क्लासिफाइड किया हमने अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर के हिसाब से किया है शुगर्स पॉलीसेकेराइड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बचा कुचा सब इसमें डाल दिया शुगर में क्या था आपका डेक्सट्रोज लैक्टोज सोर्बिटोल इनोसिटोल इसमें सबसे ज्यादा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होता है लैक्टोज सबसे ज्यादा हम लैक्टोज यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं हम लैक्टोज यूज करते हैं ठीक है अब इसमें आगे बढ़ते हैं

कैल्शियम लैक्टेट ट्राईहाइड्रेट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि अगर फार्मास्यूटिक्स में अगर कमांड करनी है तो आपको एक्सीपेंट्स से दोस्ती करनी पड़ेगी एक्सीपेंट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे बड़ा सिंपल है मैं आपको बता दूं गिने चुने गिनेक्सीपेंट होते हैं एक्सीपेंट बहुत ज्यादा नहीं होते ये एक्सीपेंट जो, जो, जो आपको देखना ना के डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलडोज ये आपके डायलोमेंट के जैसे यूज हो रहे हैं ये आपके पोलीमरी पॉलीमर के जैसे भी यूज होते हैं ये आपके सस्पेंडिंग एजेंट के जैसे भी यूज होते हैं ये आपके इमलसीफाइंग एजेंट के जैसे भी यूज होते हैं तो आप इनको एक ही इंग्रेडिएंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, एक ही एक्सीपेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, इसलिए हमें ये याद रखने पड़ेंगे चलिए, उसके बाद में आपका बेंटोनाइट जो कि मिनरल ओरिजन से ऑप्टेन करते हैं पॉलीविनाइल पारोडॉन पीवीपी केवलिन और सिलिकॉन डेरिवेटिव ये थी जनरल क्लास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहती लेक्टोस सबसे ज्यादा या सबसे कॉमनली यूज होने वाला आपका क्या होता है डायलवेंट होता है अब चलते हैं हम पूरे जो जिसके बारे में हमने बात किया था कि जो ग्लाइडेंट्स इंपॉर्टेंट कुछ सॉरी इंपॉर्टेंट कुछ डायलवेंट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं तो डायलवेंट में सबसे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायलेंट जो आने वाला है वो है आपका लैक्टोज लैक्टोज के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि लैक्टोज सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला डायलेंट होता है इसके तीन फॉर्म मिलते हैं लेकिन तीन फॉर्म बताने से पहले ठीक है <laughs> बेटा फार्मास्यूटिक्स में ट्रिक कमी होती है फार्मास्यूटिक्स में चीजें रटने का नहीं है इसमें चीजें समझने का अपने आप याद हो जाएगा कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको तुम तो लैक्टोज जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आपका आ, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका डायलवेंट uh, होता है लेकिन इसके साथ में एक ड्रॉबैक हो होता है ये मेलाड रिएक्शन कॉज करता है अब मेलाड रिएक्शन इनकम्पेटेबिलिटी रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है मेलाड रिएक्शन में क्या होता है अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ में यदि हम लेक्टोज को अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ में हम लेक्टोज को फार्मुलेट करते हैं जैसे कि अमाइन कंटेनिंग ड्रग में आपका आइसोनियाजाइड बेक्लोफेन इसको अगर आप लेक्टोज के साथ में और इवन ग्लूकोज माल्टोज के साथ फॉर्मुलेट करोगे तब भी ये रिएक्शन शुरू होगी तो अभी हम लेक्टोज के बारे में बात कर रहे हैं तो लेक्टोज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो लेक्टोज की मिलाड रिएक्शन देखते हैं तो लेक्टोज किसी अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ में जब फॉर्मुलेट किया जाता है तो ये पॉली नामक ब्राउन कलर का पिगमेंट बना देता है जिसके कारण टैबलेट का कलर येलोइश या ब्राउन कलर का हो जाता है इसको बोलते हैं मेलाड रिएक्शन ये ये लेक्टोज की सबसे बड़ी खामी होती है और सब कुछ इसमें अच्छा होता है बेस्ट सुटेबल डायलमेंट होता है लेक्टोज हर जगह फिट हो जाता है वाटर सोलिबिलिटी अच्छी खासी होती है लेकिन सबसे बड़ी खामी क्या होती है इसकी मेलाड रिएक्शन ये तीन टाइप का होता है अगर बेसिकली देखें तो पहला अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट दूसरा बेटा लेक्टोज एनाइड्रस और तीसरा स्प्रेडाइड लैक्टोज। अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट और ये दोनों रिएक्शन कॉज करते हैं ये दोनों क्या करते हैं रिएक्शन शो करते हैं अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट में 5 परसेंट मॉइस्टर कंटेंट होता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायलेंट होता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेक्टोज होता है बीटा बीटाइक्टोज एनाइडस जो कि डीसीएल थर्टी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है ये मिलाड रिएक्शन शो नहीं करता लेकिन मॉइस्चर कंटेंट इसमें बहुत कम होता है तीसरा होता है आपका स्प्रेडाइड इलेक्टोज ये आपका मिक्सर होता है किस किस का मिक्सर होता है मिक्सर ऑफ क्रिस्टलाइन अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट एंड एमार्फस लेक्टोज अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट 80 टू 90 परसेंट होता है रिमेनिंग एमॉर्फस लेक्टोज होता है उसका कॉम्बिनेशन स्प्रेड ड्राइड लेक्टोज होता है ये को प्रोसेस्ड मटेरियल होता है जो कि स्पेशली डायरेक्ट कंप्रेसेबल टैबलेट में हम लोग यूज़ करते हैं किसमें यूज करते हैं डायरेक्ट कंप्रेसिबल टैबलेट में यूज़ करते हैं चलिए बहुत अच्छे अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट टाइप का डायलोमेंट जिसमें हम बात करें स्टार्च की तो मैंने आपको बताया था स्टार्च को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते स्टार्च के डेरिवेटिव या मॉडिफाइड स्टार्च यूज करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्च में देखें डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च वो जो मार्केट में स्टार एक्स फिफ्टीन के नाम से अवेलेबल है किस नाम से अवेलेबल है स्टार एक्स 1500 नाम के से नाम से अवेलेबल है इसके अलावा दूसरा स्टार्च की कैटेगरी होती है हाइड्रोलाइज स्टार्च ये देख रहे हैं आप ये हाइड्रोलाइज स्टार ये आपका क्या था डायरेक्टली कंप्रेसिबल था दूसरी जो कैटेगरी से नाइन टू परसेंट डेक्सटोज रहता और 3 -5 होता है।, जब की करते है तब डेक्सट्रोज और माल्टोज बनता है ज्यादा अमाउंट में रहता है नाइनटी से नाइनटी और माल्टोज थ्री टू फाइव परसेंट के अराउंड रहता है ये स्टार्च है अब उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में सुक्रोज के बारे में किसके बारे में सुक्रोज। नेक्स्ट जो आपका कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो आपका है वो सुक्रोज है सुक्रोज को भी डायरेक्टली यूज नहीं करते सुक्रोज के डिफरेंट टाइप के फॉर्म या कह सकते हैं डेरिवेटिव्स हम यूज करेंगे शुगर टैप डाइपेक न्यू टैब शुगर शुगर टैब टैब में सबसे कम सुक्रोज का कंपोनेंट होता है 90 से 93 परसेंट और 7 टू 10 परसेंट इनवर्ट शुगर होता है कितना 90 से तिरानबे परसेंट क्या होता है सुक्रोज होता है 7 टू 10 परसेंट इनवर्ट शुगर होता है वहीं यदि डाई पैक पर बात करें डाई पैक एकदम पैक हो गया पैक मतलब नाइंटी सुक्रोज और थ्री मॉडिफाइड डेक्सिन होगा इसमें टैब नूटैब टैब मतलब एक नया टाइप का एक बीस टाइप का होगा 95 परसेंट इसमें सुक्रोज होगा 4 परसेंट इन्वर्ट शुगर और इसके अलावा मैग्नीशियम स्टेरेट और कॉर्न स्टार जैसे लुब्रिकेंट भी मौजूद रहते हैं तो टैब एक नया टाइप का है और उसमें 95 परसेंट सुक्रोज होता है तो याद रखना हमें ये कंपोजिशन हमें याद रखना है जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी सी एम सी सी मतलब माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलोलोज ये डायकली कंप्रेसिबल मटेरियल है ना केवल यह डायलोवेंट बल्कि डिसंटीग्रेंट ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट और पोर चैनल फॉर्मर एजेंट के जैसे भी वर्क करता है यह मार्केट में दो ग्रेड से अवेलेबल है एवीसीएल पी एच वन हंड्रेड वन पाउडर फॉर्म और दूसरा एवीसीएल वन हंड्रेड टू ग्रेनुलर फॉर्म एवीसीएल पी एच वन हंड्रेड वन पाउडर फॉर्म एच वन पाउडर फॉर्म में होता है और पी एच वन ग्रेनुलर फॉर्म में होता है माइक्रो स्पेशली स्पेशली डायरेक्ट कंप्रेसिबल में हम यूज करते हैं इसके अलावा यदि हम देखें नेक्स्ट है आपका मैनीटॉल मैनीटॉल के बारे में आपको बता दिया था मैनीटॉल स्पेशली ट्यूबेल टैबलेट में यूज करते हैं इसके साथ एक एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ये डायलोवेंट के साथ में स्वीटनिंग एजेंट का भी काम करता है साथ ही साथ क्या करता है ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता माउथ कैविटी में ये नाइपर में क्वेश्चन आ चुका है कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता माउथ कैविटी में क्योंकि नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन के कारण नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन के कारण ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है आपके माउथ कैविटी में इसलिए हम क्या यूज करते हैं माउथ ट्यूबल टेबलेट के लिए आप मेनिटॉल यूज करते हैं इसके अलावा इसके अलावा हम डेक्सट्रोज को भी यूज करते हैं डेक्सट्रोज डायरेक्टली यूज नहीं होता ये सेरिलोस के नाम से प्रोपर्टी नाम से मार्केट में अवेलेबल है 201 एंड 2401 के नाम से अवेलेबल वाल है और ये आपको एज अ डायलमेंट यूज करते हैं उसके बाद आता है कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट में एग्जाम्पल इतने महत्वपूर्ण नहीं है कैल्शियम सॉल्ट में एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम सॉल्ट को किसके साथ फॉर्मुलेट नहीं कर सकते कैल्शियम सॉल्ट को हम टेट्रासाइक्लिन ड्रग के साथ फॉर्मुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ड्रग के साथ ये क्या कर देता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है इसलिए हम क्या करेंगे इसको आप टेट्रा के साथ में इसको फॉर्मुलेट नहीं करना है किसको कैल्शियम सॉल्ट को जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट डायलमेंट होते हैं इनको टेट्रासाइक्लिन के साथ फॉर्मुलेट नहीं करना है ओके चलिए पर आते हैं चलिए पहला क्वेश्चन 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 बोल रहे थे ना आप लोग परेशान हो रहे थे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्लोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर टैब नू टैब एमडेक्स एवी सेल आंसर कीजिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एम सी सी मीन्स माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्लोज यस जीपैट टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर कीजिएगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्लोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस क्या होगा आंसर करेक्ट आंसर इज यस तरह तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बहुत बढ़िया ज्यादातर लोग करेक्ट हैं ज्यादातर लोग आंसर एवी सेल बोल रहे हैं मतलब जनता जनता जनार्दन सही बोल रही है करेक्ट आंसर क्या है एवी सेल ही है करेक्ट आंसर एवी सेल देखिए जीपेड में इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन हमें पता तो होना चाहिए एविसेल सेल के बारे में यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन ट्यूबल टैबलेट्स फॉर्मूला यस करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर पर आइए यस ऑप्शन ए सुक्रोज ऑप्शन बी साइक्लामेट सोडियम ऑप्शन सी साइक्रेन सोडियम एंड ऑप्शन डी मैनिटॉल यस बहुत अच्छे ऑप्शन डी मैनिटॉल अभी अभी बताया च्यूबल टैबलेट्स टेवल के लिए स्पेशली मैनिटॉल यूज करते हैं गेट नाइन नाइनटी वन का क्वेश्चन है देखिए करेक्ट आंसर भी हमारा क्या है मैनिटॉल ही है तो हम हमारे दो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही से जा रहे हैं सोचिए है। हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन भी हमसे बन रहे हैं बहुत अच्छे लेक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज डायलोवेंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन हाउ एवर इट इज नॉट यूज इन द दमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए पायरिजेनामाइड ऑप्शन बी आइबोप्रोफेन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी सल्फ एसिटामाइड एंड ऑप्शन डी आइसोनियाजाइड यस आंसर करते जाइए आंसर करते जाइए बहुत अच्छे यहां भी आंसर डी होने वाला है यहां भी आंसर डी होने वाला आइसोनियाजाइड आइसोनियाजाइड अगर नहीं होता तो आइसोनियाजाइड की जगह आप बैकलोफेन यूज कर सकते थे क्या यूज कर सकते थे बैकलोफेन लेकिन यहां पर है नहीं ऑप्शन में तो मैंने आपको बताया था लैक्टोज के अलावा कोई दूसरी रिड्यूसिंग शुगर होगी वो भी इस टाइप का क्या करेगी इस टाइप की रिएक्शन शो करेगी कौन सी मिलाड रिएक्शन चलिए आंसर डी इज करेक्ट नेक्स्ट आते हैं र कैन नॉट बी यूज ये जीपेड टू थाउजेंड टेन का क्वेश्चन है विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ दी टैबलेट चलिए उल्टा पूछ लिया गया जीपेड टू थाउजेंड टेन में डाई कैल्शियम फॉस्फेट माइक्रोकलाइन सेलोज स्टार्च एंड लेक्टोज करेक्ट आंसर इज लेक्टोज वेरी गुड करेक्ट आंसर क्या होने वाला लेक्टोज नेक्स्ट चलिए ये डायलवेंट से कुछ प्रॉपर्टी नाम से अवेलेबल हैं ये अगर लर्न हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन ठीक है लैकमैन में ये टेबल दी गई है आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल को इसमें से कोशिश करिएगा कि याद हो जाए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोपर्टी नेम कैल कार्ब एंड मिली कार्ब या फिर फार्मा कार्ब या स्टूरकाल के नाम से स्टर काल के नाम से ये प्रोपर्टी नेम के अवेलेबल है इसके अलावा कैल्शियम फॉस्पिट डाइबेसिक साइफोस कालस्टार कैलीफार्म और एम को प्रेस के नाम से आपको प्रॉपर्टी से मिल जाएगा इसके अलावा कैल्शियम फॉस्पेट ट्राइबेसिक ट्राइकाफोज ट्राइकेल ट्राइटेब ये लर्न करना आपको रटना है ठीक है थोड़ा ट्रिकी रहता है इसको रटना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपको लर्न करना है ठीक है यहाँ पर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जैसे डेक्सट्रो डेक्सटेड एम डेक्स के नाम से डेक्सट्रोज टेप फाइन के नाम से फ्रेक्टोज फ्रेक्टोफिन के नाम से लेक्टिटॉल फिनलेक के नाम से लेक्टोज फास्ट फ्लो लेक्टोकैम जेपरॉक्स फार्मेटोज और टेबलेटोज के नाम से आपको मिल जाएगा माल्टीटॉल आपका माल्टीसोर व माल्टेट के नाम से मिल जाएगा माल्टोडेक्सेंड आपको ग्लाइसीडेक्स डेक्स लाइका टैर्प और माल्ट्रिन के नाम से वही माल्टोज आपको माल्टीसॉर व माल्टेट के नाम से माल्टोज एडवानटोज के नाम से मैनीटोल परलीटोल के नाम से एम सी सी सिल्कीफाइड प्रोसोलोप के नाम से स्टार्च स्टार्च प्रीजेलेटाइज फार्माजेल प्रीजेल और स्टारेक्स एक्स फिफ्टीन हंड्रेड सेपस्टैप और प्रीजेल के नाम से ये अवेलेबल है बेटा ट्रिक अच्छा आप इसमें आप इसमें चाहते हैं कि ट्रिक ट्रिक कैसे आप चाहते हैं बेटा इसमें ट्रिक क्या होगी कितनी सारी ट्रिक बनेगी ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा आप अपनी ट्रिक बनाइए ट्रिक में कुछ नहीं है बेटा देखो कैल्शियम कैल कार्बोनेट से कार्ब फार्मा कार्ब कार्बोनेट तो ये आप कैल स्ट्रक कैल याद रख सकते हैं कैल्शियम कई प्रोपाइट कैल्शियम का ही कोई डायलिमेंट का प्रोपर्टी नाम होगा तो आपको याद रख सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है यहाँ पर आपको इनके कंपोनेंट्स को याद रखने हैं क्योंकि लुडी प्रेस से एक बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि लुडी प्रेस का कंपोजिशन क्या होता है चलिए तो लुडी यहां पर देखते हैं एबी एबीसीएल एसी 50 इससे एमसीसी और गुआर गम से मिलकर बनता है किससे बनता है एमसीसी और गुआर गम से वहीं कैलकार्ब जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट 95% और माल्टोडेक्सिन 5% से बनता है ठीक है फिर उसके बाद कैल्शियम 90 कैल्शियम 90 में कैल्शियम कार्बोनेट 90 से 91% और स्टार्च 9 टू 10% होता है फिर उसके बाद केल्टेल केल्टेल में कैल्शियम सल्फेट 95% और 93 से 95 परसेंट होता है वेजिटेबल गम 5 टू 7 परसेंट होती है उसके बाद देखते हैं कैलेक्टोज 80 तो कैलेक्टोज में आपने देखा होगा कैलेक्टोज जिसमें लैक्टोज भी है और सेलोज भी है सेलेक्टोज तो अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 75 परसेंट और सेलोज पाउडर 25 परसेंट वहीं वहीं हम एमडेक्स के बारे में बात करें तो एमडेक्स में डेक्सट्रोज नाइन्टी से नाइन्टी से नाइन्टी और माल्टोज वन टू सेवन होता है फास्ट फ्लू लेक्टोज के बारे में आपको बताया था क्रिसाइन अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट एट्टी से नाइनटी परसेंट और लॉक्टोज रिमेनिंग पार्ट होता है फॉर्मैक्स कैल्शियम कार्बोनेट 70 कैल्शियम कार्बोनेट 70 परसेंट और सोर्बिटॉल 30 परसेंट होता है लुडिप्रेस लेक्टोज मोनोहाइड्रेट 93 परसेंट केवलिन 30 परसेंट केवलिन थर्टी 3.5 परसेंट और सी परसेंट क्वेश्चन आ चुका है माइक्रोसेलाक ये भी इंपॉर्टेंट है सेवेंटी फाइव परसेंट लेक्टोज प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट एमसीसी फार्मेटोज एनाइडस बीटा लेक्टोज प्लस लेक्टिटॉल स्टारलेक्ट अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट अल्फा लेक्टोज मोनोहाइड्रेट एसेंट एंड मेज स्टार्स परसेंटा सेल्टी एमसीसी फाइव परसेंट एंड कैल्शियम कार्बोनेट 35 परसेंट होता है चलिए क्वेश्चन पर आते हैं एन एक्सीपिय लुडिप्रेस यूज फॉर लिक्विड फॉर्म इज अ डोजेसार्मेस्ड एक्सीपेंट मतलब लिक्विड फॉर्म में यूज हो रहा है लुडीप्रेस ठीक है जीपर टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन है चलिए आंसर करिए डेक्सटोज मोनोहाइड्रेट प्लस कॉलिडोन थर्टी लेक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कॉलिडोन थर्टी लेक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कॉलिडोन थर्टी प्लस कॉलिडोन सी एल डेक्सटोज मोनोहाइड्रेट प्लस कॉलिडोन थर्टी प्लस कॉलिडोन सी एल सही आंसर कीजिए सभी लो, आंसर लोग फटाफट आंसर करिए करेक्ट आंसर एज सी ज्यादातर लोग सी आंसर ही दे रहे हैं तो सी आंसर करेक्ट है लेक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कॉलिडोम थर्टी लेक्टोज होता है डेक्सटोज नहीं होता बेटा ध्यान रखिए लेक्टोज है नाम से लुडीप्रेस लुडीप्रेस मतलब लू लु, एल एल से लेक्टोज ठीक है चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बाइंडर या बाइंडिंग एजेंट और टैबलेट एडेसिव बाइंडर या बाइंडिंग एजेंट या टैबलेट एडेसिव क्या होते हैं उन पर बात कर लेते हैं आपका मैंने आपको बताया था टैबलेट एक कॉम्पैक्ट मास होता है और उस कॉम्पैक्ट मास में मटेरियल को होल्ड करना जरूरी रहता है जिससे आपकी टैबलेट इंटैक्ट बनी रहे तो पार्टिकल पार्टिकल को जोड़ने वाले जो मटेरियल होता है वो बाइंडर या टैबलेट एडेसिव कहलाता है या फिर जब हम ग्रेनुल्स प्रिपेयर करते हैं क्या करते हैं पाउडर से हम ग्रेनुल्स प्रिपेयर करते हैं ध्यान दीजिएगा पाउडर से जब हम ग्रेनुल्स प्रिपेयर करते हैं पाउडर मिलाकर हमने क्या बनाते हैं ग्रेनुल्स बनाते हैं तो उस समय आपको बाइंडर की जरूरत पड़ती है तब भी बाइंडर की जरूरत पड़ती है या फिर पाउडर से आप डायरेक्ट टैबलेट बनाते हैं तब भी बाउंडर की बाइंडर की जरूरत पड़ती है ये आपका पाउडर है और ये आपका क्या है है और ये आपका क्या है टैबलेट है ठीक है ध्यान दीजिएगा ठीक तो यहां पर देखिएगा आप पाउडर से भी बना सकते हो पाउडर से डायरेक्टली टैबलेट भी बना सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा ये आप पाउडर से डायरेक्टली टैबलेट बनाओगे तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होगी तो यहां पर पाउडर मटेरियल को होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको बाइंडर या टैबलेट एडेसिव की जरूरत पड़ेगी और यदि आपको ग्रेनुल से टैबलेट बनानी है तो उसके केस में पहले आपको पाउडर से ग्रेनुल्स बनाने पड़ेंगे फिर ग्रेनुल्स से आप क्या प्रिपेयर करोगे टेबलेट प्रिपेयर करोगे तो पाउडर से ग्रेनुल बनाने के लिए जो बाइंडर यूज करते हैं उनको स्पेशली हम क्या बोलते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं उन बाइंडर को ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो कि ग्रेनुल्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो ग्रेनुल्स बनाने का एडवांटेज क्या होता है फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है क्या हो जाती है फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है ध्यान दीजिएगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा देखिए मैं आपको बताऊं फार्मास्यूटिक्स का एक सीधा सा फंडा है अगर आपको एक्सीपेंट के नाम याद हो सकते हैं तो आपके लिए फार्मास्यूटिक्स आसान है एक्सीपेंट के नाम अगर याद नहीं होंगे तो फार्मास्यूटिक्स बड़ा टफ है मैं आपको एक मंत्र देता हूं उस मंत्र को याद रखिएगा कि नेचर ने जिसको जो नेचर प्रोवाइड किया उस नेचर का यूज हमने डोजिस फॉर्म बनाने में किया याद रखना नेचर ने कुदरत ने जिसको जैसा व्यवहार दिया उसके व्यवहार को हमने यूटिलाइज करके डोजिस फॉर्म बनाया जैसे आपको पता है नेचर में बाइंडर का काम कौन करता है आपकी गम्स करती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो गम्स रहती हैं वो बाइंडर का काम करती हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर एग्जाम्पल वही हैं गम अकेशिया एल्जिनेट सेलोज़ के डेरेवेटिस ठीक है जिलेटिन कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज ये सब क्या है आपके ये आपके एक तरीके से बाइंडर हैं जो नेचर में बाइंड नेचुरली बाइंडिंग इफिकेसी शो करते हैं उसी को हमने यूटिलाइज कर लिया बाइंडर बनाने के लिए तो बाइंडर की हेल्प से हम क्या करते हैं जो टैबलेट जो बनती है टैबलेट जो इंटेक्ट मास बनता है वो बाइंडर की हेल्प से ही बनता है किसकी हेल्प से बनता है बाइंडर की हेल्प से ही बनता है तो ध्यान दीजिएगा <laughs> चलिए बहुत बढ़िया तो बाइंडर की हेल्प से ही बनता है याद रखना जो टैबलेट जो बनेगा टेबलेट में पार्टिकल पार्टिकल को जोड़ने का काम कौन करेगा बॉन्डिंग का काम कौन करेगा बाइंडर करेगा टैबलेट से चिपकाने का काम जोड़ने का काम का काम का कौन करेगा binder करेगा बाइंडर और यदि आप ग्रेनुल्स बनाने हो तो उस समय उस बाइंडर को हम क्या बोल देते हैं एजेंट ग्रेनुल्स बनाने का फायदा मैं आपको बता देता हूँ फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है तो एग्जाम्पल याद रखना बड़ा आसान होता है एग्जाम्पल याद रखना बड़ा आसान है तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं आप देख लीजिए कोई गम है कोई आपका सेलोज का डेरिवेटिव है कोई कार्बोहाइड्रेट है ये सब क्या है आपके बाइंडर है तो आपको याद रख सकते हैं आप इसको ठीक है यहां पर भी आप कुछ अलग से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी आप यूज कर सकते हैं माल्टोडेक्सटिन मिथाइल सेलरोज पॉलीडेक्सट्रोज पॉलीथाइलिन ऑक्साइड पॉवीडोन सोडियम एलिजिनेट स्टार्चपेट सुक्रोज ये सब क्या है आपके एडेसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं इसको आप यूज कर सकते हो तो इसलिए बड़ा आसान है जी हाँ चलिए अब बात हो गई टैबलेट को जोड़ने की अब बात करते हैं टैबलेट को तोड़ने की ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो टैबलेट के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं जो तो टैबलेट के ब्रेकडाउन को आसान करते हैं क्यों जरूरत पड़ती है टैबलेट के ब्रेकडाउन की इसलिए जरूरत पड़ती है दोस्तों टैबलेट के ब्रेकडाउन की क्योंकि टैबलेट टैबलेट से जब तक ड्रग रिलीज नहीं होगा तो ऑब्जॉर्व कैसे होगा और यदि नहीं होगा तो एक्शन कैसे आएगा तो टैबलेट से ड्रग के रिलीज को ईज करने के लिए ड्रग के रिलीज को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं टैबलेट का ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसे जो टैबलेट के ब्रेक डाउन को आसान बनाते हैं फैसिलिटेट करते हैं उनको बोलते हैं डिस इंटीग्रेंट या फिर डिस इंटीग्रेटिंग एजेंट ये इनका मोड ऑफ एक्शन अगर देखें तो तीन चार तरह का मोड ऑफ एक्शन होता है इसमें बेसिकली फर्स्ट और सेकंड मैन होते हैं पहला जो एक्शन है वो है आपका कैपिलरी एक्शन जो पहला एक्शन आप लोग देख पा रहे हो यहां पर लिखा होगा ये है आपका कैपिलरी मोड ऑफ एक्शन आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे ये होता है आपका कैपिलरी एक्शन और ये होता है आपका स्वेलिंग एक्शन ये होता है आपका इफरबेंस एक्शन तो यहां पर कैपिलरिएक्शन में क्या होता है कि हम जब टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपने देखा होगा कुछ ना कुछ बल्क वॉल्यूम छोड़ देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ पोरोसिटी को छोड़ देते हैं जिसके कारण इन फ्यूचर जब ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी आपकी टैबलेट तो वाटर का पेनिट्रेशन आसान हो तो आपकी ये टैबलेट है अगर देखें ये टैबलेट है तो इस टेबलेट में यदि देखें तो महीन महीन कैपिलरीज होती हैं और ये जो आपका डिस एजेंट होता है इन कैपिलरी के थ्रू क्या करता है वाटर को अट्रैक्ट करता है और कैपिलरी से वाटर अंदर पहुंचेगा अंदर पहुंचने के बाद जो आपके बाइंडर के जो बॉन्ड थे बाइंडर ने जो बॉन्ड क्रिएट करेगी उनको कमजोर करेगा उसके कारण टेबलेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये हो गया पहला मोड ऑफ एक्शन अब उसके बाद दूसरा बात करते हैं ठीक है अब उसके बाद दोबारा हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्शन स्वेलिंग एक्शन

रिकवरी ऑफ डिफॉर्म्ड पार्टिकल जब हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन करने के बाद क्या हो जाता है जो टैबलेट के पार्टिकल कैसे हो जाते हैं डिफॉर्म हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं डिफॉर्म हो जाते हैं तो जैसे ही ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो रिफॉर्मेशन की कोशिश करते हैं रिकवरी की कोशिश करते हैं तो उस रिकवरी में टैबलेट का ब्रेक डाउन हो जाता है ये फोर मोड ऑफ एक्शन है दोस्तों इनको याद रखिएगा इनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है लेकिन लग रहा है इन फ्यूचर यहां से क्वेश्चन आएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट सुपर डिसंटीग्रेंट के बारे में ठीक है अब बात करते हैं सुपर डिसंटीग्रेन के बारे में तो सुपर सुपर नाम से पता चल रहा है कि कि ऐसे एजेंट जो कि आपके नॉर्मल डिस एजेंट के कंपेरिजन में बहुत तेजी से कई गुना तेजी से वर्क करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सुपर डिसेंटिग्रेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं सुपर डिसेंटिग्रेटिंग वेरी क्विकली डिसंटीग्रेट दैबलेट इंटू स्मॉलर पार्टिकल एंड डिस मोर रैपिडली कॉल दी सुपर डिसिंटिग्रेटिंग एजेंट या सुपर डिसिंटिग्रेट इनके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं हम ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल हैं यहां पर देखेंगे एलजेनिक एसिड कार्बोक्सी मिथाइल सोडियम सेलोज माइक्रोक्रिस्टलाइन ये याद रखिए माइक्रोकलाइन सेलोज के एवी सेल एम सेल, सेल, का भी काम करते हैं वहां पर और बाइंडर का भी काम करते हैं यहां पर आपका का भी काम करते हैं क्रॉस कार्मेलोज सोडियम ये सुपर डिसिंडिग्रेंट होता है एक्डाइसोल और सोलिटेप के नाम से ये प्रोपरटी नाम से अवेलेबल है क्रॉस पॉबिडोन ये भी सुपर डिसिडिग्रेंट होता है डोकस्टेट सोडियम गम मैग्नीशियम सिलिकेट मिथाइल सेलरोज और बहुत सारे एजेंट है 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 ये में में टेबल टेबल आपके पास है। उस को जरूर पढ़िएगा दोस्तों जीपेड में अगर करना है, हमें अच्छी रैंक लानी है तो इस पर कमांड करनी होगी और बेटा इनमें कोई ट्रिक नहीं होता आपको मैं सीधा बता दूं आपको नाम याद रखने पड़ेंगे इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी आपको पता होना चाहिए एक्सप्लोटे क्या होता है जैसे आपका दोस्त होगा मोहन सोहन जो भी आपका दोस्त होगा

लेकिन कम करता है कम इंटेक्ट में स्वेलिंग एक्शन करता है इसका जो होता, वो कैपिलरी होता है। अगर आया, तो यहां से आया, कि कैपिलरी कौन सा सुपर करता है, और कौन सा स्वेलिंग एक्शन शो करता है उसके बाद है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट गेट टू का क्वेश्चन है एक्सप्लोटेब और प्रीमोज इसके दो प्रोप्राइटरी नेम है जो मार्केट में अवेलेबल रहता है जीपेट टू का

आ रहा समझ में अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बाद, आ, बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके लुब्रिकेंट uh, ग्लाइडेंट उससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं सुपर डिसिड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट देखिए गेट 2008 का बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट स्टार्च पीवीपी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट करेक्ट आंसर क्या है डी करेक्ट आंसर इज डी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट करेक्ट आंसर क्या होने वाला है डी आपने बोला डी क्यों होने वाला है बेटा ये सुपर डिसिंडिग्रेंट पूछा है स्टार्च पी पी मैग्नीशियम एल्युमियम सिलिकेट ये ये आपके नॉर्मल डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट अभी तो पड़ा है कैसे हो जाएगा बेटा डी कैसे हो जाएगा ए आंसर होना चाहिए अभी अभी बताया था सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट क्रॉस पॉबिडोन एंड क्रॉस कार्मेलोज क्रॉस कार्मेलोज सोडियम ग्लाइकोलेट और क्रॉस ये तीन सुपर होते हैं ली। तो करेक्ट आंसर क्या ए चलिए व्हाट इज प्रीमोजेल जीपेट टू थाउजेंड का क्वेश्चन है कौन सा प्रीमोजेल? जी हाँ बेटा कंपोजिशन आ जाता है एग्जाम में फार्मास्यूटिक्स में कुछ भी आ सकता है हमें तैयार रहना पड़ेगा फार्मास्यूटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑप्शन ए सब्सिटेड एचपीएमसी फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन ऑप्शन बी मॉडिफाइड सेलुलोज फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन ऑप्शन सी हाइड्रोजेलिक पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी मॉडिफाइड स्टार्च फॉर द दिसेंटीग्रेशन प्रीमोजेल एक्सप्लोटेब क्या होते हैं सुपर डिसेंटीग्रेंट होते हैं क्या होते हैं सुपर डिसेंटीग्रेंट होते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, आंसर इज डी इंटीग्रेटिंग अभी तो बताया था प्रीमोजेल एक्सप्लोटिव करेक्ट आंसर इज डी मॉडिफाइड स्टार्स फॉर दी डिस अभी बताया थोड़ी देर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू दी च्यूबल टैबलेट च्यूबल टैबलेट में आप क्या ऐड नहीं करते हो ग्लाइडेंट डिसिंटिकेंट लुब्रिकेंट या एंटी एडेरेंट क्या होने वाला करेक्ट आंसर बहुत अच्छे डिस यूज नहीं करते याद रखना च्यूबल टैबलेट में क्या यूज नहीं किया जाता है डिसंटीग्रेंट करेक्ट आंसर क्या होने वाला बी चलिए अब लिस्ट ऑफ लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट एंटीडेंट उनके यूज और उनके डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं तो इन पर हम डिस्कस करते हैं फटाफट तो देखते देखते हैं हम यहां पर यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्लाइडेंट के बारे में लुब्रिकेंट की तीन कैटेगरी होती है एक लुब्रिकेंट होता है ग्लाइडेंट होता है एंटी अडेंट रहता है ग्लाइडेंट क्या होता है वह सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं ग्लाइड का मतलब होता है फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने का काम करते हैं कैसे करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने का काम ये पाउडर पाउडर के बीच में पाउडर पाउडर पार्टिकल के बीच में या फिर पाउडर

मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सिलिकेट हम यूज करते हैं यस yes. समझ रहे हो ना क्या क्या यूज कर रहे हैं हम कैल्शियम कॉर्न स्टार्स टैल्क मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सिलिकेट आप यूज करोगे अब आगे बात करते हैं लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट क्या होते हैं लुब्रिकेंट एक लुब्रिकेंट का टाइप होता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है कहां पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है डाइवॉल और टैबलेट पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट वैक्सीस इसके एग्जाम्पल होते हैं नेक्स्ट है आपका एंटी अडरेंट मैंने शुरुआत में बताया था एंटी अडरेंस ये स्टिकिंग और पिकिंग से बचाते हैं मतलब जो आपका टैबलेटिंग मास रहता है उसको डाइवॉल के ऊपर या पंच फेसेस के ऊपर अडेयर होने से रोकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और कॉर्न स्टार्च इसके एग्जाम्पल हैं हाँ बेटा कॉमन एग्जाम्पल भी होते हैं हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कॉमन एग्जाम्पल होते हैं एक कंपोनेंट एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शो कर सकता है एक कंपोनेंट एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शो कर सकता है यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम एक टर्म आया था एक बार एग्जाम में बोल्टिंग बोल्टिंग में क्या करते हैं हम हम क्या करते हैं जो आपका लुब्रिक लुब्रिकेंट है उसको सिक्सटी टू हंड्रेड मतलब सिक्सटी या फिर हंड्रेड मैस नायलन क्लॉथ से पास कराते हैं टेबलेटिक मास में एड करने से पहले उसको बोलते हैं हम वोल्टिंग प्रोसेस तो दोस्तों ये नाम आपको ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे देखिए मुश्किल जरूर है मुझे पता है मुश्किल जरूर है लेकिन आप लोग कर सकते हो क्योंकि फार्मास्यूटिक्स का यही फंडा है कि जितने ज़्यादा एक्सीपेंट के नाम याद रखोगे उतना ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा चलिए क्वेश्चन करते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इनग्रीडियंट विच इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी कौन प्रमोट करता है देखिए दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया नाइनटीन एट्टी और नाइनटीन मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऑप्शन ए ग्लाइडेंट ऑप्शन बी इमोलियंट ऑप्शन सी लुब्रिकेंट और ऑप्शन डी सरफेक्टेंट करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चा लोग करेक्ट आंसर इज ग्लाइडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सॉलिड ओरल फॉर सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट चेंज इन दंसेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ने इस क्वेश्चन पर क्लेम भी किया था कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीडेंट इज मोर लाइकली टू बी इंफ्लुएंस दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कौन सा है जो कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को इन्फ्लुएंस करता है स्टार्च मैग्नीशियम स्ट्रेट सेलोज और लैक्टोज बच्चों ने स्टार्च स्टार्च लगाया बाइंडर होता है बाइंडर का अमाउंट बढ़ा देने से क्या हो जाता है कि आपका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन की रेट डिक्रीज हो जाती है जी हाँ बिल्कुल सही था लेकिन यहाँ पर पूछा सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करता है तो यहाँ पर देखिएगा आपके जो लुब्रिकेंट है ज्यादातर लुब्रिकेंट कैसे होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर नेचर के होते हैं. किस नेचर के होते होते हैं हैं किस दोस्तों हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और हाइड्रोफोबिक नेचर के जो लुब्रिकेंट होने के कारण क्या होता है यदि इनकी क्वांटिटी अगर ज्यादा बढ़ा दें तो ये क्या करते हैं टैबलेट में हाइड्रोफोबिसिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हैं टैबलेट में हाइड्रोफोबिसिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हैं जिसके कारण टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन स्लो डाउन हो जाता है इसलिए करेक्ट आंसर क्या था आपका मैग्नीशियम स्टेरेट ना कि स्टार्च स्टार्च याद रखना मोस्ट मोर लाइकली पूछा है है भी करता करता सब करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट शो मैग्नीशियम स्टेरेट करता है क्योंकि ये जो जितने भी लुब्रिकेंट मैं फिर से बोलूंगा जितने भी लुब्रिकेंट होते हैं 90 परसेंट लुब्रिकेंट होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं अगर इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा अगर यूज कर दी हमने कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया तो टेबलेट में हाइड्रोफोबिसिटी को प्रमोट करते हैं यस yes, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी मैग्नीशियम स्टेरेट अच्छा है ना क्वेश्चन बच्चे हिल गए थे इसमें कई बच्चे क्लेम कर रहे थे इसमें इस क्वेश्चन में क्लेम कर रहे थे कि सर आंसर मैग्नीशियम स्टेरेट दे रहे हैं जी स्टार्ज मैंने बोला भैया पैसा खर्च नहीं करो अननेसरी पैसा है मत खर्च करो उसको बचा के रखो क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं दे देता दे हैं उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने किस बेस पर क्वेश्चन बनाया तो करेक्ट आंसर मैग्नीशियम स्टेट है क्योंकि आपके लुब्रिकेंट में आपको बताना भूल गया अब बता रहा हूं ज्यादातर लुब्रिकेंट हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के होते हैं और मैग्नीशियम स्टेट इज द एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट चलिए अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स तो टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं वो दो मेथड कौन कौन सी होती हैं आपका ग्रेनुलेशन मेथड और नॉन ग्रेनुएशन मेथड ग्रेनुलेशन मेथड भी दो तरह की होती है आपकी वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन इनमें सबसे जो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होती है वेट ग्रेनुलेशन होती है वेट ग्रेनुशन में क्या करते हैं हम जो बाइंडर सॉल्यूशन यूज करते हैं वो आपका आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली जो बाइंडर सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं वो आपका एक्वस बेस्ड बाइंडर सॉल्यूशन होता है उसमें डैम्प मास फॉर्मेशन होता है डैम्प मास का मतलब होता है आटे जैसे जो हम आटा बनाते हैं गूथते हैं उस जैसा डैम्प मास फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद वेट स्क्रीन करके हम ग्रेनुल्स बनाते हैं ड्राई करते हैं फिर उसके बाद एक बार स्क्रीनिंग करते हैं फिर लुब्रिकेशन करते हैं और देन कंप्रेशन के बाद आपका टैबलेट बन जाती है इससे बनने वाली टैबलेट इनफ हार्डनेस होती है पर्याप्त हार्डनेस होती है और चीप टाइप की टैबलेट इसी मेथड से बनाई जाती है किससे वेट ग्रेनुलेशन से अब हम बात करें ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में तो ड्राई ग्रेनुलेशन क्यों हम लेके आए इस मेथड को लाने की जरूरत क्या थी हमारे पास तो वेट ग्रेन पहले से थी तो वेट ग्रेनुलेशन के स्टेप को हम एक बार देख लेते हैं ध्यान से सबसे पहले हम क्या करते हैं साइज रिडक्शन करते हैं ड्रग और एक्सीडेंट का अलग अलग फिर उनको अलग फौर्मुल, अलग फॉर्मूला के हिसाब से अलग अलग वे करते हैं देन प्रॉपर ब्लेंड करते हैं मतलब मिक्सिंग करते हैं उसके बाद वेट मासिंग करते हैं वेट मासिंग का मतलब क्या होता है इसमें बाइंडर का सोल्यूशन एड किया जाता है उसके बाद डेप मास फॉर्मेशन हो जाता है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए उसी तरीके का डेब मास फॉर्मेशन हो जाता है और वेट ग्रीनिशन ड्राइंग ड्राई स्क्रीनिंग और ये सब कर लेते हैं लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें आप एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हो बाइंडर का तो कुछ ड्रग जो मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं तो उनको आप इस मेथड से नहीं बना सकते और कुछ ड्रग ऐसी जो हीट सेंसिटिव होती है क्योंकि आप इसमें ड्राइंग भी कर रहे हैं तो ऐसी ड्रग हीट सेंसिटिव होती है तो उसके लिए भी आपको इस मेथड को यूज नहीं कर सकते उसके लिए आपको ड्राई ग्रेनोलेशन मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है ड्राई ग्रेन मेथड बेसिकली आपकी एसी ड्रग होती की और मॉइस्चर सेंसिटिव होती है उनके लिए आप यूज करते हो और दूसरी खास बात रहती है ऐसी ड्रग जिनका डोज साइज हाई होता है जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन से नहीं बनाई जा सकती उसके लिए आप ड्राई ग्रेनोलेशन मेथड को यूज करते हो यहां पर अगर देखें ओवरऑल स्टेप्स के बारे में यदि हम बात करें तो यहां पर लगभग कॉमन होंगी मिलिंग वेइंग स्क्रीनिंग ब्लेंड

और इस स्लग टैबलेट को ले जाकर हम ब्रेक करते हैं उसके बाद ग्रेनुल्स बन जाते हैं तब उसके बाद कंप्रेशन करते हैं खास बात यह है कि यहाँ पर बाइंडर हम यूज करेंगे लेकिन ड्राई बाइंडर यूज करेंगे ड्राई बाइंडर यूज करेंगे उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो मेथड है आपकी नॉन ग्रेनुएशन मेथड है कौन सी है दोस्तों नॉन ग्रेनुलेशन मेथड ये आपके डायरेक्ट कंप्रेशन इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड आती है इसमें सब कुछ पहले जैसा होता है लेकिन यहाँ पर एक क्रूशियल स्टेप होती है यहाँ पर मिक्सिंग सारे कंपोनेंट को प्रॉपरली आपको मिक्स करना पड़ता है इसमें जो सब्सटेंस यूज होते हैं उसकी खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि डायरेक्ट कंप्रेशन यूज करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन में जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं प्रॉपरली फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ग्रेनुल्स में तो फ्लोएबिलिटी थी लेकिन पाउडर में फ्लोएबिलिटी कम होती है तो प्रॉपर फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए आसानी से मिक्स होने चाहिए अदर पार्टिकल के साथ होमोजिनियस कलरिंग होनी चाहिए फ्रिक्शन और एडेशन प्रॉपर होना चाहिए ये खास बात रहती है किसके बारे में आपके डाइट uh, कंप्रेशन में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी हैं जो कि हम यूज करते हैं बनाने के लिए स्लग आर प्रिपेयर्ड बाय विच काइंड ऑफ ग्रेनुलेशन टेक्निक क्वेश्चन आ गया आपके सामने हाँ जी ड्राई बाइंडर का एग्जांपल एमसीसी होगा स्लग आर प्रिपेयर्ड विच काइंड ऑफ ग्रेनुलेशन टेक्निक ए वेटिक ग्रेनुलेशन बी ड्राई ग्रेनुलेशन सी स्ट्रीम ग्रेनुलेशन डी मेल्ट ग्रेनुलेशन जी पैट टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज बी ड्राई ग्रेनुलेशन बहुत अच्छी सही आंसर है ड्राई ग्रेनुलेशन चलिए अब बात करते हैं टैबलेट मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में और टाइप ऑफ टैबलेट मशीन दो टाइप की टैबलेट मशीन होती है सिंगल स्टेशन सिंगल पंच और ईसेंट्रिक प्रेस दूसरा मल्टी स्टेशन और रोटरी प्रेस सिंगल स्टेशन में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एक होपर होता है ये ऊपर होता है और फीडिंग मैकेनिज्म होती है उसके बाद पंचेस के सेट होते हैं दो डाइज होती है और कैंप ट्रैक होते हैं इनका काम क्या रहता है होपर जो रहता है मटेरियल को होल्ड करने का काम करता है फीडिंग मैकेनिज्म जो होती है मटेरियल को मूव कराती है कहां से कहां तक यहां पर देखेंगे ये आपका होपर एरिया हो गया यहां से मटेरियल मूव करता हुआ कहां पर जाता है डाई में जाता है डाई क्या करती है टैबलेट के साइज और शेप को डिसाइड करती है यहां पर कंप्रेशन की प्रोसेस प्रोसीड होती है जो कंप्रेशन प्रोसेस को जो करते हैं वो करते हैं अपर पंच और लोअर पंच स्पेशली अपर पंच कंप्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है अपर पंच और लोअर पंच की मूवमेंट को गाइड करने के लिए कैम ट्रैक्स यूज किए जाते हैं तो ये हो गए सिंगल स्टेशन ए सिंगल पंच ईसेंट्रिक प्रेस अब उसके बाद दूसरी होती है मल्टी स्टेशन या रोटरी प्रेस इसमें बहुत सारी डाइज होती हैं और बहुत सारे पंचेस होते हैं बहुत सारी डाइजस होती हैं बहुत सारे पंचेस होते हैं और इसकी हेल्प से हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं ये आपका लेबोरेटरी स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये आपके कहां पर होती है कहां पर होती है आपके इंडस्ट्रियल uh, लेवल uh, पर जब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेस यूज करते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपका सिंगल स्टेशन है सिंगल पंच मशीन है इसमें जो uh, जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो अगर एक बार और देखें एक होपर होता है एक फीडिंग मैकेनिज्म होता है दो पंचेस होते हैं एक डाई होती है और एक कैम ट्रैक होता है जो कि गाइड गाइडेंस करता है आपके पंचेस का लोअर पंच और अपर पंच को जोड़ने के लिए एक डिवाइस होती है उस डिवाइस को बोलते हैं हम टरेट बोलते हैं क्या बोलते हैं हम टरेट चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं क्वेश्चन करते हैं इन मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन द अपर एज वेल एज लोअर पंचेस आर कनेक्टेड बाय कैम टरेट वायर मेसेस रिवॉल्विंग बेल्ट्स यस करेक्ट आंसर बी टेरेट बहुत अच्छे अब बात करते हैं हम टैबलेट डिफेक्ट्स पर किस पर बात करें टैबलेट डिफेक्ट्स पर तो आज बात करें टैबलेट डिफेक्ट्स पर या कल बात करें कंटिन्यू करें बताइएगा कंटिन्यू करें टैबलेट डिफेक्ट्स आज टैबलेट डिफेक्ट्स कंप्लीट करके हम इसको कल हम टैबलेट कोटिंग और एवोल्यूशन को पढ़ते हैं चलिए टैबलेट डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं हम यहां पर तो टैबलेट डिफेक्ट्स में टैबलेट डिफेक्ट्स क्या होते हैं समझने वाली बात है कि जब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या आफ़्टर मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स में कुछ फिजिकली uh, कुछ चेंजेस हो सकते हैं अपेरेंस में चेंजेस हो सकते हैं उसकी मार्फोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं उसको बोलते हैं हम टैबलेट डिफेक्ट्स टैबलेट डिफेक्ट्स कुछ मैं ब्रीफ कर देता हूँ कैपिंग लेमिनेशन चिपिंग स्टिकिंग पिकिंग मॉटलिंग वेट वेरिएशन डबल इंप्रेशन एंड हार्डनेस वेरिएशन ब्रीफ में हम इनको देखते हैं कैपिंग का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू लेयर या फिर कह सकते हैं पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ दी टॉप और बॉटम क्राउन फ्रॉम दी टैबलेट टॉप और बॉटम क्राउन ये इसको क्राउन एरिया बोलते हैं इस तरीके से मतलब टैबलेट डिवाइड हो रही है टैबलेट क्या हो रही है बेटा टैबलेट टूट रही है टैबलेट इस तरीके से लेयर में टूट रही है लेकिन ये कंप्लीटली भी टूट सकती है और पार्शियली भी सेपरेट हो सकती है कंप्लीटली भी सेपरेट हो सकती है और पार्शियली भी सेपरेट हो सकती है कहां से मैन बॉडी से टैबलेट की मैन बॉडी से इसको बोलते हैं हम क्या कैपिंग याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम कैपिंग के नाम से जानते हैं लेमिनेशन में क्या फर्क होता है लेमिनेशन में टैबलेट का क्या होता है कि लेयर में टूट जाती है इस तरीके से लेयर में टूटती है और दो या दो से ज्यादा लेयर में टूटती है बराबर लेयर में टूटती है यहां पर जो लेयर्स लेयर्स में लेकड तो हो रहा है लेकिन लेयर्स जो है अनइक्वल है यहां पर जो जो लेयर्स में टूटेगी जो इक्वल लेयर्स में टूटेगी मतलब हर लेयर में बराबर पोर्शन होगा तो सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड देशन एंड कैपिंग इज द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन फ्रॉम दी मैन बॉडी जेस बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेन कॉज होता है वो होता है एयर इंटरेपमेंट क्या होता है एयर तो एयर इंटरपमेंट को रिमूव करने के लिए आपको प्री कंप्रेशन करना पड़ेगा बिफोर टैबलेटिंग अब आते हैं नेक्स्ट चिपिंग कई बार क्या होता है कि टैबलेट के किनारे किनारे जो एजेस होते हैं वो हल्के हल्के चिप chip, चिपिंग का मतलब होता है स्मॉल पीसेस टुकड़े चिप्स तो जब कभी टैबलेट क्या होती है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उस दौरान उससे डाई कैविटी से बाहर आती है तो कई बार

प्रॉपरली ड्राई नहीं किया है मॉइस्चर प्रेजेंट है बाइंडर का अमाउंट कम है लुब्रिकेंट का अमाउंट कम है तो उसके और पिकिंग हो सकती है ठीक उसके बाद मॉटलिंग मॉडलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर कई बार हम कलर टैबलेट प्रिपेयर करते हैं या फिर हो सकता है कि ऐसा होता है कि टैबलेट के में जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसका कलर और एक्सीडेंट का कलर डिफरेंट होता है तो उसके केस में मॉटलिंग शो uh, होने लगती है इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट दिस इज कॉल्ड दॉटलिंग ऐसा भी हो सकता है अगर आपने कलरिंग एजेंट यूज किया उसको प्रॉपरली मिक्स नहीं किया तो उसके कारण भी मॉटलिंग हो सकती है ये प्रॉब्लम होगी क्रैकिंग एक प्रॉब्लम हो और होती है क्रैकिंग जब जब टैबलेट का इंटरनल स्ट्रेस बढ़ जाता है टैबलेट सरफेस पर ब्रेक डाउन हो जाती है उसको बोलते हैं हम क्रैकिंग एक और प्रॉब्लम होती है वेट वेरिएशन वेट वेरिएशन का कॉज क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी ग्लाइडेंट ऐड किए थे जब बताया था कि यदि आपके मटेरियल की प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल की आपकी प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी डाई की फिलिंग अनिक्वल होगी डाई की फिलिंग अनिक्वल होगी तो बनने वाली टैबलेट क्या होगी अनइक्वल साइज की होगी जिसके कारण वेट वेरिएशन आएगा वेट वेरिएशन के कारण कंटेंट वेरिएशन आ सकता है तो इसलिए वेट वेरिएशन को करेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपरली ग्लाइडेंट ऐड करना पड़ेगा इसके अलावा एक हार्डनेस वेरिएशन भी होता है कि कई बार टैबलेट की जो टैबलेट जो बन रही है उसकी जो हर टैबलेट की हार्डनेस अपने आप में डिफरेंट होती है अगर हार्डनेस चेंज होगी तो टैबलेट के डिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन और फ्राइबिलिटी इन तीनों प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएंगे इसलिए हमें कोशिश करना है कि यूनिक हार्डनेस रहे उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है लास्ट जो उसको बोलते हैं डबल इंप्रेशन इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ मशीन के कारण क्या होता है कई बार कि जैसे हमने एक कंप्रेशन फोर्स लगाया अप, अपर पंच कंप्रेस किया अपर पंच वापस लौटने लगता है जब कंप्रेशन साइकिल कंप्लीट होती है लेकिन अब वापस लौटने के बजाय वो दोबारा से एक टैबलेट के ऊपर एक बार और एक हल्का सा माइनर सा इंप्रेशन और शो करेगा उसको बोलते हैं हम डबल इंप्रेशन इस तरीके से यस तो दोस्तों ये था आज का यहां तक का आज का मार्गदर्शन की क्लास कल हम आगे इसके आगे जुड़ेंगे टैबलेट कोटिंग के, 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 साथ के, के बारे में पढ़ेंगे टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे टैबलेट इवोल्यूशन के बारे इवोल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट रहने वाली है कल की क्लास तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोग आप लोगों ने जितने इंटेंट के साथ में जितनी आपके आ, कह सकते हैं कि जितने मन के साथ में आप आज क्लास में जुड़े बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक